पंजाब के नवमुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बरदारी तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के बाद पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस की कैदियों वाली वैन और वाटर कैनन असम्बली के बाहर पहुंचा दी गई है। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे साकिब सलीम बट से। साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का पहला इजलास जो है वो शुरू होने वाला है और इबाब अराकीन की जो अमल का सिलसिला जारी है। पुलिस की भारी नफरी जो है अब माल रोड पर चेरिंग क्रॉस के ऊपर मौजूद है और इसके इतराफ के अंदर भी अगर हम बात करें तो किसी तरीके साहब की जानब से कॉल दी गई थी कि वो मुमकिन एहतजाज यहाँ पे करेंगे, तो उसी के पेश नज़र पुलिस ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अब 2000 से 1500 से 2000 के करीब जवान है, जिसमें से 600 से जायद डॉल्फन के एहलकार जो वर्दी और प्राइवेट यूनिफॉर्म में पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर जो है वो तैनात है। अंदर जिस भी अरकान की गाड़ी जो है उसने अरकान खुद बैठे हुए हैं तो उनको दाखिले की इजाजत दी जा रही है। चेकिंग के बाद उनके साथ जो उनका स्टाफ या दीगर अफराद है उनकी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। आम शहरियों की गाड़ी तो बिल्कुल भी पंजाब असम्बली के अतराफ की तरफ नहीं, सिर्फ मेन का जो माल रोड है चेरिंग क्रॉस पे वहां पर आम तरफ जा रही है और बाकी उसके बैक साइड पर उसके अतराफ किसी गाड़ी को जाने दिया जा रहा। पुलिस की प्रिजन वैंस यहाँ पे आ चुकी है, वाटर कैनन यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ लोग जो है अपने अरकान की यहाँ पर आए थे, तरीके इंसाफ की जानब से भी आए थे, जिसको डीएजी अली नासर रिजवी जो खुद मौजूद है हर गाड़ी को चेकिंग करने के बाद अंदर अफराद देखने के बाद उनके आईडी कार्ड लेने के बाद दाखिला दिया जा रहा है और डीएजी की तरफ से अब माल रोड के अतराफ में और पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने फुटपाथ के ऊपर भी किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया साकिब सलीम।